प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक और सेठ जी। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। सेठ जी, मैं कब से देख रहा हूं आप आए हैं, तब से आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, क्या बात है सेठ जी? अरे वाह बबीता जी, जो तीन फ्रिज बिकवाए ना बीच में। अरे तो अच्छी बात है सेठ जी, आपको तो खुश होना चाहिए, इसमें उदास होने की क्या बात है? पूरी बात सुनो। हाँ बोलिए। वो जिस पार्टी ने फ्रिज लिया वो बबीता जी का कजिन भाई है, तो आई नो वेरी वेल सेठ जी, तो उनको फोन करके जरा पूछ लिया करना, फ्रिज में कोई कंप्लेंट नहीं है ना। सेठ जी ये भी कोई कहने की बात है, यू नो वेरी वेल आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट, मैं हर कस्टमर के कांटेक्ट में रहता हूँ। चलिए छोड़िए सेठ जी, अभी उदासी छोड़िए और चेहरे पे हंसी लाइए, लाइए 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 हंसी लाइए, बस इसी तरह हमेशा स्माइल करते रहिए, स्माइल। अरे क्या खाक स्माइल करते रहिए, स्माइल तो अभी वो ईयर इडली कर रहा होगा मेरे 6000 के गॉगल पहन के। ओह क्या बात है, सुपर गॉगल बबीता, यू ग्रेट, सुपर गॉगल, तुम्हारा चॉइस एकदम एवर है। बस 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 रहने दो, अब ये कह के अपने आप को A1 मत बनाओ। बबीता रियली वेरी गुड सरप्राइज गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच। वैसे थैंक यू कहना ही है तो जेठा जी को कहो। जेठालाल को, जेठालाल को क्यों? वो हुआ यू। और बिल फाइनली उन्होंने पे किया। ओहो फिर तो सच में बबीता मेरे को जेठालाल को थैंक यू बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं अभी उसको फोन लगाता हूं। ओके। जेठालाल। हेलो। हां जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे जेठालाल, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। हां हां भाई, सुना सुना मैंने सुना। जेठालाल ये गॉगल गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? ओए गलती हो गई भाई, सॉरी। क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप किसी के गिफ्ट के लायक नहीं हो? क्या क्या मतलब? मेरा मतलब है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको गिफ्ट नहीं दे सकता? जेठालाल तुम गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अभी छोड़ो ना यार भाई, गिफ्ट मिल गया ना तो वापरो। नहीं नहीं जेठालाल, देखो बबीता ने तुम्हारा जो वो तीन फ्रिज का डील कराया था ना, वो गिफ्ट के लिए नहीं कराया था। देखो जेठालाल, मैं तुमको मेरे और बबीता के गॉगल्स के 8200 रुपए दे देगा। नहीं नहीं सिर्फ 6000 देना। क्या कैसी बात कर रहे हैं यार भाई आप, दी हुई गिफ्ट का कोई पैसा लेता है? आपके नसीब में गिफ्ट था तो आपको मिल गया, अभी छोड़ा, अभी हो गया सो हो गया। ओके ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जेठालाल, और मैं सोसाइटी में सबको बोलेगा कि जेठालाल ने मेरे को और बबीता को 8200 रुपए के गॉगल्स गिफ्ट दिए हैं। अरे भाई मेहरबानी करो मेरे ऊपर, प्लीज आप सोसाइटी में किसी को बताना मत, वरना सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
अरे भाई हमारा क्या कसूर है, हमको भी गॉगल गिफ्ट में दो। करेक्ट करेक्ट जेडालाल, यू करेक्ट। देखो मैं गधे को नहीं बोलेगा, सॉरी। हाँ अरे जेडालाल, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिफ्ट। ओके थैंक यू, बाय। हाँ बाय बाय बाय। इससे तो अच्छा 6000 गौशाला में दान कर दिए होते, आज पूरा मूड अप कर दिया। अय्यर, मुझे क्या लगता है, जेठा जी ने हमें इतनी महंगी गिफ्ट दी है तो हमें भी कुछ अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए ना उन्हें। नहीं बबीता, तुम सच कह रही हो, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। बट यू डोंट वरी, मैं जेठालाल को काम है ऐसा बढ़िया गिफ्ट लेकर उसके घर पर देकर आऊंगा। परफेक्ट। बट वेरी नाइस गॉगल, वेरी हैप्पी। अरे सुपर, क्या बात है। दादाजी, मैं भी आपके जैसे चश्मे पहन सकता हूँ? अरे टपुड़ा, ऐसे ही थोड़ी चश्मा पहनते हैं। अरे दूर का है, नजदीक का है, जब दिखना कम हो जाता है ना तब जाके चश्मा पहनते हैं। हाँ हाँ, तो ये पापा आ गए। मम्मी पापा आ गए। पापा आप दादाजी का चश्मा लाए। कौन सा चश्मा? अरे वो ही आज आपने सुबह तोड़ दिया था। ओ, कल लेके आऊंगा बेटा। मेरी बात तो हमेशा कहती है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब करे सो अभी की अभी करो। अभी की अभी कहाँ से करो, चश्मा कल रेडी होने वाला है तो अभी का अभी कहाँ से लेके आऊँ। लेकिन मुझे उनका फल आया था कि चश्मा रेडी है। तो मुझे क्या सपना आएगा कि चश्मा रेडी है, जाओ जाके लेके आओ। लेकिन मैंने उनको कहा था आपको फोन करने के लिए, उन्होंने आपको फोन नहीं किया। नहीं किया था, मैं जानबूझ कर नहीं लेके आया। नहीं नहीं बापूजी, किसी का फोन नहीं आया, आया होता तो मैं लेके आता ना। ठीक है, कल दुकान जाते जाते लेके आना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूं। क्या डाला, दुकान से आ गया? ये गोगल निकालो तो दिखेगा मैं आ गया हूँ। बहुत अच्छा मजाक किया, गुड जॉब, गुड जॉब जडालाल। जाजा जी वणक्कम। नमस्ते। अय्यर भाई बैठे ना। हाँ थैंक यू वेरी मच। आई ये अंकल एकदम रॉकिंग लुक है। थैंक यू डब्बू। जडालाल कैसा लग रहा हूँ मैं? मेरा दिया हुआ गॉगल पहन के मुझे ही जलन आ गया। अरे जडालाल तुम कुछ बोले नहीं, कैसा लग रहा हूँ मैं? वड़क वांद्रो। अरे ये अंकल बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने नए गॉगल्स लिए? टप्पू लिए नहीं है, तुम्हारे पापा ने मेरे को गिफ्ट दिए। अय्यर भाई आज आपका विश यू हैप्पी बर्थडे है। अरे नहीं नहीं जा भाभी, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। वो क्या हुआ, चश्मे की दुकान पर चंपक जाजा और जेठालाल बबीता को मिले। बबीता ने खुद के लिए और मेरे लिए गॉगल्स लिए, लेकिन उसका बिल जेठालाल ने दिया। टप्पू के पापा का दिल बहुत बड़ा है, दूसरों को गिफ्ट देने में इनको बहुत मजा आता है। नहीं थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अय्यर भाई फोन करके एक बार तो थैंक यू बोला आपने, अभी घर पे आके थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? जेठालाल मैं तुमको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं तुमको गिफ्ट देने आया हूँ। नहीं पने, मुझे का गिफ्ट भी नहीं चाहिए भाई। जेठालाल प्लीज मना मत करो। दे भाभी जेठालाल को समझाओ प्लीज। नहीं नहीं अय्यर भाई, ऐसे गिफ्ट के मतलब गिफ्ट थोड़ी देते हैं। अरे लेते हैं टप्पू, तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते हो, उसको गिफ्ट देते हो, तो सामने से वो भी तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है ना। हाँ ना, तो फिर यार रिटर्न गिफ्ट है। पापा अगर रिटर्न गिफ्ट है तो ले लो। हाँ टप्पू के पापा, मेरी माँ भी कहती है अगर कोई प्यार से गिफ्ट दे रहा हो तो उसका अनादर नहीं करता।
और मेरी माँ ये भी कहती है दे दो गिफ्ट दे दो चलो रख दे। अरे जेठा लाल उसको खोल कर तो देखो, मैं तुम्हारे काम का गिफ्ट लाया हूँ। मम्मी लो मैं खोलता हूँ। सॉरी हाथ से छटक गया। ये क्या है? Keeping rock। अरे ये तो डोरा कुत्ते का डोरा है। लेकिन टप्पू के पापा को ये क्या काम आएगा? हाँ? देख भाभी मैं बहुत सोच समझकर जेठालाल के लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। क्या है? कल से जेठालाल रोज 100 बार स्किपिंग करेगा ना? उसका पैड गायब हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा, एकदम मिलिट्री मैन की तरह फिट हो जाएगा जेठालाल। वाह यार वाह शाबाश। थैंक यू चाचाजी। जेठालाल कैसी लगी गिफ्ट? बहुत लगी। अच्छी लगी ना। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अच्छा जेठालाल मैं चलता हूँ। अच्छा देव अभी बाय चाचा जी, चलता हूँ। चलो बाय टप्पू। बाय गुड नाइट। हाँ जेठालाल बेस्ट ऑफ लक। जेठिया कल से ही सुबह जल्दी उठ के ये दौड़ा कूदना चालू कर दे। हाँ जरूर मैं खाना भी लगाती हूँ। ये अय्यर इडली एक कांकरे दो पक्षी मार के गया बापू। जी बापू जी। जेठिया उठ गया? हाँ बापू जी उठ गए, वो बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं। वाह सरस। पापा उठिए। अरे उठिए टप्पू के पापा। अरे सोने देना दया, बहुत नींद आ रही है। अरे उठिए ना टप्पू के पापा प्लीज। अरे क्या करूं इतनी जल्दी उठ के। अरे अय्यर भाई दौड़ा देकर गए हैं तो कूदना नहीं है। अरे क्या कूदना पड़ेगा, बापू जी आ गए हैं आपको बुला रहे हैं। चल जूठे बो। देखा हाँ आई जी बापू जी। जरा चाय लेने। हाँ अभी लाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। हे दोड़ा दादा आज से आप टप्पू के पापा का जीवन बदलने वाले हो, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप टप्पू के पापा का वजन इतना कम कर देना कि वो बापू जी से भी पतला हो जाए। अरे दया मैं रोज पूरा दिन ये दौड़ा कूदूंगा ना तो भी बापू जी जितना पतला कभी नहीं हो सकता। ए भाई ऐसी निराशा भरी बातें मत कर, इंसान जीवन में अगर कुछ करने का ठान ले ना तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं बापू जी जरूरी नहीं है, इंसान चाहे कितना भी ठान ले आंख खुली रख के छींक खा सकता है? नहीं खा सकता। आंख खुली रख के सूरज देवता का सामने देख सकता है? नहीं देख सकता। हाँ बराबर है। और बहस और आलस में तुझसे कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। चल चल कूदना शुरू कर। अरे ये बबूचा क्या कर रहा है, दौड़ा तो ले। हाँ, ये लीजिए। पापा ऑल द बेस्ट। टप्पू के पापा करिए श्री गणेश। चल शुरुआत 100 बार कूदने से कर, फिर धीरे धीरे 1000 तक पहुंच जाएगा।
घर तक पहुंचने से पहले मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। चल 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 शुरू कर। बाजू रे बाजू बाजू। अटक रहा है पैर में, बराबर नहीं है ये। बराबर वाली तू बराबर नहीं कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, चलना नहीं है, कूदना है, कूद। मैं बताऊं? हाँ बता, कैसे कैसे होता है बता। ये होता है ना बाजू, ए उठ बाजू। इसको है ना ऐसे रखने का, बराबर है, और फिर इसको। वाओ मम्मी, देखा ऐसा करना है, चल चल चल। कम ऑन पापा, 1 2 3 4 हो रहा है, हो रहा है। कम ऑन पापा, कम ऑन, कम ऑन, चलो ना चलो ना। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 संभलिए संभलिए। धीरे धीरे कूदना, इतना जोर से कूदने को कौन बोल रहा है। अयो रिडली को इसी दौड़े से बांध कर उल्टा लटकाना चाहिए। चलिए टप्पू के पापा। हाँ चलो, ओके पापा जी, फिर मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, चलिए मतलब रुकिए मत, कूदिए कूदिए। हाँ चल चल कूद पापू जी। बाबू जी बहुत पैर में दर्द हो रहा है। अब शुरू शुरू में थोड़ा दर्द होगा, फिर आदत हो जाएगी। चल 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 चल, कम ऑन बाबा, कम ऑन। बाबूजी बस अभी दर्द घुटनों तक पहुंच गया है। जेठिया तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। अरे बाबूजी मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाली इतना करो, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करूंगा। चल चल बे आलसी कहीं का, चल डब्बू चल। आश दौड़ा किचन में, पर मालिया में ऐसी जगह छुपा दे कि ढूंढने पर तुझे भी ना मिले, और आइंदा घर में इसकी याद कभी मत निकालना, बापूजी के सामने तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक मेरे लिए कुछ चटाकदर नाश्ता बना, बहुत जोर की भूख लगी है। चलो भी खड़ी क्या, नाश्ता बना वरना दुकान जाने में लेट हो जाएगा। पूरी होता है वजन कम करना होता तो उनके लिए वजन कम करना होता है, पेट बढ़ेगा तो उनका बढ़ेगा, कम होगा तो उनका पेट कम होगा। भाई अय्यर ने जेठालाल को कमाल के रिटर्न गिफ्ट दिए। क्या गिफ्ट दिया अय्यर ने साहब। जेठालाल जो वैसे भी एक्सरसाइज व्यायाम जल्दी उठना इन सबसे बचते रहते हैं, उन्हीं को ऐसी गिफ्ट दे दी गई है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके सर पे बाल ना हो उसे कंघा दे दिया जाए तो कैसा महसूस करेगा वो। हालांकि यहाँ पे जेठालाल को इस रस्सी की जरूरत तो जरूर है, लेकिन जरूरत है लेकिन रस्सी कूदने की आदत नहीं है जेठालाल को। आपने दोस्तों कई बार सड़क पे छुरी की धार तेज करने वालों को देखा होगा, तब कैसी चिंगारियां उड़ती है।
हमारे अय्यर और जेठालाल के मिलने पे ऐसी ही चिंगारियां आसपास होती है। मुझे तो कई बार लगता है कि पिछले जन्म में ये लोग सास बहू रहे होंगे। जब मिल जाते हैं टकराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस बार तो अय्यर ने चारों खाने चित्त कर दिया जेठालाल को। अब देखना यह है कि इस रस्सी के कूदने से जेठालाल का वजन कम होता है या नहीं। लेकिन आपका वजन तो बढ़ेगा क्योंकि आप हंसते रहेंगे, और हंसेंगे इसलिए क्योंकि गोकुल धाम में एक से एक अनोखे किरदार है जो आएंगे और हंसाएंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.